महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव प्रचार में लगी। इसी दौरान चुनावी हलफनामे में हर नेता हर उम्मीदवार ने संपत्ति का ब्यौरा दिया। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने जो ब्यौरा दिया वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किस नेता के पास कितनी संपत्ति है और पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ गई, ये आज आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं आदिति तटकरे। उनकी संपत्ति में 772% का इजाफा हुआ है, 772% 5 साल। साल 2019 में आदिति तटकरे ने अपने हलफनामे में बताया था कि 39 लाख रुपए की संपत्ति है, जो आज बढ़कर के लगभग 3.5 करोड़ रुपए हो गए। शिंदे सरकार में लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण हैं। कुल संपत्ति 7 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 15.5 करोड़ रुपए हो गए, यानी 117% की बढ़ोतरी। मृदा एवं जल संरक्षण मंत्री हैं संजय राठौर। संपत्ति में 220% की वृद्धि हुई। 2019 में लगभग 6 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस बार लगभग 16 करोड़ रुपए संपत्ति बता। महाराष्ट्र के खेल युवा कल्याण और बंदरगाह विकास मंत्री हैं संजय बंसोड़े। संपत्ति 2 करोड़ रुपए से बढ़कर के लगभग 5 करोड़ रुपए हो गई 5 साल। सीएम एकनाथ शिंदे की संपत्ति में 187% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल पहले सीएम शिंदे की कुल संपत्ति 7.8 करोड़ रुपए थी, जो अब लगभग 22 करोड़ रुपए हो चुकी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति जो है वो 56% बढ़ी, पहले लगभग 8 करोड़ की थी, अब कहती है रिपोर्ट के लगभग 12.5 करोड़ की। इस लिस्ट में अगला नाम है डिप्टी सीएम अजित पवार का, जिनकी कुल संपत्ति 71 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो बढ़कर 103.3 करोड़ रुपए हो गई, यानी 44% की बढ़ोतरी हो चुकी है। नेतागिरी हमेशा चर्चा में रहती है, लेकिन चुनाव के वक्त कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा अमीर है चर्चा में यह भी होता है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में घाटकोपर पूर्व से बीजेपी के उम्मीदवार पराग शाह बाजी मार चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक पराग शाह की कुल संपत्ति है 3383 करोड़ रुपए। 2019 के चुनाव में उनकी संपत्ति थी 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़ से लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा, यानी संपत्ति में 575% का इजाफा हुआ। इसके पहले 2017 के भीम से चुनाव में अपनी संपत्ति 690 करोड़ बताई थी। ये अब तक का ब्यौरा है नेताओं। 2024 में 3300 करोड़ प्लस की जो बैलेंस शीट है, ये शेयर्स के भाव के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिस्टेड कंपनी चला रहा हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। 2019 में यही शेयर का भाव 20 रुपया था, 22 रुपया था, आज वो शेयर का भाव 180-190 रुपया है। तो दिस आर ऑल पेपर वेल्थ, और उनको भी यह मालूम है। और प्रियंका चतुर्वेदी जैसी पढ़ी लिखी औरत को भी अगर ये नहीं समझ में आता है तो उनको राजकारण छोड़ देना चाहिए, देश को भ्रमित करना बंद करना चाहिए। 3300 करोड़ की आज समझो, आज 180-190 रुपये भाव है, कल 400 रुपये शेयर का भाव होएगा। Z News.